हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस। इसके अंदर है कि आपके पास एग्जांपल से ही देखते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 4x 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में सबसे पहला डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन का काम क्या है कि आप लोगों ने ये चेक करना है चेंज ऑफ साइन। अब इस चेंज ऑफ साइन का मतलब क्या है, जो आपके पास एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन लिखी गई है वो लिखी रहने दो, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 4x 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेंज ऑफ साइन का मतलब है अपने वो वाले साइन देखने हैं जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। ये पॉजिटिव है हमारे पास फर्स्ट वाला, ये भी पॉजिटिव है नहीं जा रहा, लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो आपके पास ये एक बन गया 1। फिर से देखिए, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो ये भी 1 हुआ। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव फिर जा रहा है तो ये भी क्या हुआ 1। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव फिर जा रहा है तो 1। तो ऐसे कितने साइन मिले हमें जो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब चेंज ऑफ साइन हो रहा है, एक एक टर्म के बाद कॉफी जो साइन है वो चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैव 3 हैव 4 चेंज ऑफ साइन। इसके पास कितने मिले, हमारे पास 4 चेंज ऑफ साइन मिले। अगर ये 4 है इसके पास, देयरफॉर ऐसे ही आपने 4 यहाँ हमारे पास एफ एक्स के मिले, दूसरी बार आपने क्या करना है एफ माइनस एक्स कर देना, जहां एक्स लिखा हुआ ये बनेगा माइनस एक्स 5 प्लस का 4x 4 ही रह जाएगा, ये प्लस का 3x क्यूब बन गया प्लस का 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास क्या मिला, नेगेटिव टू पॉजिटिव ओनली 1, इसके बाद कहीं नहीं मिल रहा क्योंकि सभी पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो यहाँ चेंज ऑफ साइन कितने मिले हमारे पास 1। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हैव 1 ओनली 1 चेंज ऑफ साइन। अब देखिए, जो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 था ना, उसके पास 4 चेंज ऑफ साइन थे। जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में चेंज ऑफ साइन जितने होंगे ना, उतने आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। या आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन 4 पॉजिटिव रूट्स। 4 से ज्यादा इसके पास पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते, इसका मतलब 4 से कम हो सकते हैं। 4 से कम अगर 3 हुए पॉजिटिव तो एक कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो करीम कंजुगेट बेयर आते हैं, तो एक नहीं होगा। 4 हुए तो आपके पास इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हो आप, 4 अगर पॉजिटिव हैं, हो सकता है 4 के 4 पॉजिटिव हो क्योंकि मैक्सिमम है, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। 2 पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव होगा ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव मिले ही ना। ये फिक्स नहीं है कि जितने चेंज ऑफ साइन मिल रहे हैं उतने ही आपके पास पॉजिटिव मिले हैं। अगर ये 1 आ जाता है फिर तो फिक्स ही हो जाता है क्योंकि वो चेंज होगा ही नहीं, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर सेकेंड वाले में आपके पास 1 मिला, एक ही मिला, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हैव ओनली 1। ये पॉजिटिव रूट दे रहा था एफ एक्स वाला, और माइनस एक्स वाला क्या देगा, ओनली 1 नेगेटिव रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का हमारे पास एक ही नेगेटिव रूट होगा और एक चेंज नहीं होगा। 2 पे होता तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता, तो अगर ये उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती ना, 2 हो सकते हैं या 0। तो अब इसके केस बनाने हैं आपने, वो देखते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले आप चेंज ऑफ साइन ही समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव देखना है आपने, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं देखना, वो वेरी नहीं करेगा। तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में आपके पास चेंज ऑफ साइन जितने मिल रहे हैं, मैक्सिमम उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसके पास उतने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब है इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हो सकता है 4 भी हो, मैक्सिमम 4 है हमारे पास, तो 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 नहीं होंगे,
क्योंकि अगर इसके पास थ्री हुए, मान लीजिए थ्री हो गए, थ्री हुए तो एक पॉजिटिव बच गया हमारे पास, है ना, एक बच गया ना, क्योंकि अगर ये थ्री हुए, थ्री इसके पास आ गए और इसके पास यहां से देख लीजिए, चाहे थ्री इसके पास आपने पॉजिटिव मान लिए, इसके पास वन आ ही चुका है नेगेटिव, तीन और एक टोटल मिला के कितने हो गए, चार, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के चार हुए और फाइव डिग्री की पॉलिनोमियल है, चार रूट आपने नेगेटिव पॉजिटिव बता दिए, इसके पास पांच ही रूट है, तो एक बचा, वो एक कॉम्प्लेक्स में नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स में अक्करी में कंजुगेट पेयर होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में कम से कम दो होंगे होंगे, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होगी कभी भी थ्री वाली, इस पे ध्यान रखना। तो आपने टू टू माइनस करते जाना, सीधी सी बात है, अगर आपके पास फोर मिल रहे हैं तो टू हो सकता है, उसके बाद जीरो हो सकता है, अगर यहाँ सिक्स मिलते तो सिक्स के बाद कितने होते हैं हमारे पास, फोर हो जाते हैं, फिर फोर के बाद टू, टू के बाद फिर जीरो, अगर मान लीजिए यहाँ फाइव मिल जाते मुझे तो फाइव के बाद थ्री, थ्री के बाद फिर वापस वन, वन से नीचे नहीं जाएंगे हम। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे करना है क्वेश्चन हमने। तो इसके बाद क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस। तो सॉल्यूशन देखिए आपने कैसे करना है, इसके रूट्स का नेचर पता करना है हमें, हेल्प किसके लेंगे हम, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन की। द गिवन इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 9 प्लस 5 एक्स रेज्ड पावर 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका सबसे पहला काम क्या था कि जो इक्वेशन है उसको क्या देखने हमने, चेंज ऑफ साइन। यहाँ देखिए प्लस 2 प्लस जा रहा है, नहीं मिल रहा, यहाँ 1 मिल गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 मिल गया, उसके बाद कोई नहीं मिल रहा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैव टू चेंज ऑफ साइंस, कितने मिले, दो। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन 2 पॉजिटिव रूट्स। इसके पास क्या होंगे, दो से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो के बाद फिर कितने हुए, 0 होंगे, उसके बाद होगा ही नहीं। मतलब नाउ f माइनस एक्स पे चले जाइए, f माइनस एक्स निकाल के देखिए, माइनस एक्स रेज फॉर 9 प्लस 5 एक्स रेज फॉर 8 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइन देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस इज 1, यहाँ नहीं मिल रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस इज 1, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस इज 1, तो कितने मिले, f माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हैव 3 चेंज ऑफ साइंस। therefore f माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन, ये पॉजिटिव रूट दे रहा था, ये क्या देगा, मोर देन 3 नेगेटिव रूट्स, इसके पास 3 से ज्यादा नेगेटिव रूट नहीं हो सकते। अब देखिए, अब इसकी क्या दिखानी हमने, पॉसिबिलिटी के रूट इसके कैसे कैसे हो सकते वो देखते हैं। Thus we have the following possibilities वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट बात करते हैं ए पे, देखिए पहले टू पॉजिटिव रूट हुए आपके पास, अच्छी बात है, टू पॉजिटिव है हमारे पास, उसके बाद हो सकता है तीन के तीन नेगेटिव हों, क्योंकि यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, टू पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर जीरो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगा ही नहीं, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव कहते हैं हम जीरो को, वो जीरो इसका रूट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ जीरो फिल करोगे तो टू मिलेगा और टू नॉन जीरो नंबर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैं बात ही नहीं करूंगा, टू हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकते हैं, इसमें से टू माइनस करोगे या तो तीन नेगेटिव हो सकते हैं या फिर वन नेगेटिव हो सकता है, क्लियर होगा, ये दो माइनस करने हैं ना आप में से, तो देखिए क्या होगा, टू पॉजिटिव हुए तो टू के साथ हो सकता है थ्री नेगेटिव, टू पॉजिटिव थ्री नेगेटिव टोटल कितने हुए, फाइव,
और इक्वेशन क्या है हमारे पास 9 डिग्री की, इसका मतलब जो बच गए 4 क्या होंगे हमारे पास, नॉन रियल रूट। समझ आ रहा है? मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल का मतलब यही है। उसके बाद बी पे चलते हैं। अगर इसके पास 2 पॉजिटिव रहे लेकिन यहां 3 के बाद इसके पास पॉजिटिव एक ही मिला, फिर क्या होगा? 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, कितने हुए? 2 + 1 = 3, बचे कितने? टोटल 9 रूट है इसके पास, 6 बचे, तो 6 होंगे हमारे पास नॉन रियल, मींस लिख सकते हो आप यहां कॉम्प्लेक्स। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। अब ये 2-2 कंप्लीट हुआ, इसके पास एक पॉसिबिलिटी थी कि इसके पास पॉजिटिव रूट हो ही ना, इसका मतलब फिर यही बचा। अगर इसके पास पॉजिटिव रूट नहीं है तो फिर क्या होगे? सिर्फ और सिर्फ 3 नेगेटिव मिलेंगे। अगर 3 नेगेटिव हुए तो कितने बचेंगे इसके पास? 6 नॉन रियल, क्योंकि यहां पॉजिटिव नहीं आया, इन केस में पॉजिटिव आ रहा है, ये केस आ भी चुका है पहले, इसके साथ 3 के साथ 6 नहीं आया। डी पे देखते हैं, अगर आपके पास 1 नेगेटिव हुआ, एक ही रूट नेगेटिव मिला, पॉजिटिव तो है ही नहीं ना, पॉजिटिव वाला केस ही खत्म कर लिया हमने, 0 पॉजिटिव चल रहा है, तो अगर एक नेगेटिव हुआ तो बचेंगे कितने? 8, तो कितने होंगे फिर? 8 नॉन रियल। तो ये सॉल्यूशन बनेगा आपके पास उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हो सकते हैं तो 4 आपके पास नॉन रियल होंगे, इनका सम 9 बनना चाहिए, ध्यान रखना। 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 2 + 1 = 3, 3 + 6 = 9, 3 + 6 = 9, 1 + 8 = 9, क्योंकि यही रूट्स है ना, इसके अलावा हम ना ही इसमें से कम कर सकते हैं ना ही इसमें से बढ़ा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हुआ तो 6 मिलेंगे आपके पास, यही आपका आंसर है। इसको लास्ट में एक लाइन में भी लिख सकते हो, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 4 नॉन रियल, एंड अगेन 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 6 नॉन रियल, 3 नेगेटिव 6 नॉन रियल मिल सकता है, एंड 1 नेगेटिव 8 नॉन रियल। क्लियर हुआ होगा आपको एग्जांपल से, उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं हम, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शो दैट द इक्वेशन fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 11 माइनस x रेज टू पावर 6 प्लस 4x रेज टू पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट, इस वर्ड को ध्यान से देखना, एट लीस्ट 8 नॉन रियल रूट्स, कम से कम 8 होंगे, इसका मतलब 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं नॉन रियल, क्योंकि इस इक्वेशन के हमारे पास टोटल कितने रूट हैं? 11। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे है, द गिवन इक्वेशन इज fx इज इक्वल टू x रेज्ड टू पावर 11 माइनस x रेज्ड टू पावर 6 प्लस 4x रेज्ड टू पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर 1। साइन देखिए, प्लस 2 माइनस इज 1, माइनस 2 प्लस इज 1, प्लस 2 माइनस इज 1, कितने हुए? 3। तो fx इज इक्वल टू 0 हैव 3 चेंज ऑफ साइन। अगर इसके पास 3 चेंज ऑफ साइंस है तो इसकी क्या हुई? fx इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन 3 पॉजिटिव रूट्स, इसके पास 3 से ज्यादा पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते, इसका मतलब पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी क्या है फिर? 3 हो सकते हैं पॉजिटिव, या फिर 2 माइनस करोगे 1 पॉजिटिव हो सकता है। नाउ एफ एक्स की जगह माइनस एक्स कर दीजिए, दिस इज माइनस एक्स 11 माइनस एक्स 6 माइनस 4x 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एफ माइनस एक्स हैव इज इक्वल टू 0 हैव नो चेंज ऑफ साइन। अगर इसके पास चेंज ऑफ साइन नहीं है, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव रूट होगा ही, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट जीरो हैव नो नेगेटिव रूट।
इसके पास नेगेटिव रूट है ही नहीं। अगर इसके पास नेगेटिव रूट नहीं है तो फिर सिर्फ पॉसिबिलिटी किस पे रहेगी, पॉजिटिव पे। अब देखिए हमारे पास सॉल्विंग पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तीन पॉजिटिव हुए तो कितने बचे, नेगेटिव है नहीं, टोटल है 11, तो कितने बचे हमारे पास, 8 नॉन रियल। मींस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, 1 पॉजिटिव हो, अगर 1 पॉजिटिव हुआ तो कितने बचे, 10 नॉन रियल, मींस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए 8 नॉन रियल मिल रहे हैं या 10 मिल रहे हैं, कम से कम कितने मिल रहे हैं, 8। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैव, द गिवन इक्वेशन हैज एट लीस्ट 8 नॉन रियल रूट्स। खत्म हुआ क्वेश्चन, ये हमारा यही शो करना था कि उसके पास कम से कम 8 नॉन रियल मिल रहे हैं और कम से कम मिल भी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिल सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि और डिग्री है हमारे पास इक्वेशन, तो एक रूट रियल होगा ही होगा। थैंक यू।